हम हैं और ये नेशनल टी स्टॉल है और ये हमारी पार्टी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो आजकल आपका भाई सियालकोट में और मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हुई है, खावर शुक्ली और पीछे बड़ी बड़ी चवले बैठी हुई हैं और हसना लंडे का भोड़, और ये शाहब इनको तो आप लोग जानते होंगे, बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। आज जुड़ा बोराली जगह पर ये बाबा जी सियालकोट। हाँ जी, आज देखे उन्होंने ये लुंडे ने ली है। नहीं नहीं, ये बोरवाली जैकेट उन्होंने फरोन के भाई से ली थी। इसी ये कि हम लोग जो है अभी पीने जा रहे हैं चाय, खावर साहब ने बताई थी कि एक जगह से बड़ी कोई नहीं था, मैं झूठ बोल रहे हैं बाबा जी, तेरा इसी को बोलते हैं शुगली। तो बड़ी बेहतरीन चाय वहाँ की, वहाँ जा रहे हैं पीने के लिए और हम लोग विलेज में रहते हैं और अभी वहाँ सिटी पहुँचने वाले हम लोग। अच्छा, वहाँ चल के देखते हैं कि कैसी उसकी चाय, तारीफें तो बड़ी सुनी है। बस सुनिए ही नहीं। दाखिल हो गए हम लोग कैंट च। कैंट च तो जाना है असा सियालकोट की दूसरी साइड से, पुल है एक हाजीपुरा साइड उते वे वो चाय वाला। अच्छा, इंशाल्लाह ताला तुहानू चाय दा मजा ना आया ना। अच्छा, तो फिर कुछ भी नहीं होना बाबा जी। शाह जी केएफसी आ गया है। बर्गर ₹1800 दा तेरी शक्ल है डर उसका बर्गर खाने वाली। केएफसी केएफसी जाना है। अच्छा अच्छा, दूर फिटे मुई केएफसी। हाँ जी भाई, कुछ खाना भी है क्या? सिर्फ चाय पीनी है? नहीं यार, मैं तो खाना खा गया, तू खा ले। मैं खाना खाना है तो शाह पूछ लो। शाह जी की खाना है? मैं फुल हो गया। बर्गर क्या कर रहे हो? नथिंग स्पेशल, नथिंग। बर्गर कुछ नहीं बोलते, बर्गर इट्स अ बड़ा सेंसिटिव मैन। सेंसिटिव का था। अच्छा, दो नंबर है तो मेरे अभी हुणे ओने माज को पठे पाए हैं और सेंसिटिव। मुझे इनकी माज ही होती, इनकी माज ही, इनकी माज ही होती, इनकी भैंसेस एंड बफेलो, बफेलो बफेलोस बफेलोस और ये पठे इस पाकेज अभी आया है ना, दैट्स व्हाई वी चुप्स चुप्स। ये स्मेल गोहे की इसके पास से आ रही है। गोहे की स्मेल नहीं, इसके कोलों आ रही, वो इसके अंदर से जेन्युइन ओरिजिनल। इट्स अ जेन्युइन परफ्यूम फॉर विलेज बर्गर्स। ओए एक मिनट, साल है चार का पेशावर होनी पलानी। इधर ओए, यहां पहले गड्डियां दा रचवा होना है, गड्डियां दा रचवा हो यार, सारे लोग चाह पी रहे हैं। पैसे तो पूरे करने ने भी लाग बना दे। भाई फारी की नहीं है, बिजी लगे पड़े, थोड़ी इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। अजन सलाम अलैकुम सर, हम इतनी दूर से आए आपकी चाय पीने, आज टाइम ही नहीं दे रहे। मैं कराची से आया हूँ आपकी चाय का नाम सुनते हुए, थोड़ा सा हमें बताएं अपने चाय के बारे में, क्या इसमें ऐसी खास बात है जो इतना रश लगा हुआ है, लोग ऐसे दे रहे जैसे फ्री में बांट रहे हैं आप? क्या इस्लाम का जो हमारे पास अल्लाह का करम है और हम हालत दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी चाय बनाते हैं, देख रहे हैं कि तकरीबन 7 चूल्हों में डिवाइड हो गए जरा भी हमारे। अच्छा, ये जो आप उठ करनी है 7 चूल्हे इसीलिए लगे हुए कि चाय पक पक के यहाँ पे एंड में फाइनल पक पका। तो माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको? मुझे काम करते 22-23 साल हो गए। तो ये आपने बनाया था, आपके वालिद साहब ने बनाया? ये हमारे वालिद साहब का काम है, वाले साहब के काम को साथ लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। कह रहे हैं हमारे वालिद साहब ने खोली थी, पहले छोटी सी शॉप होती थी, अब माशाल्लाह इन्होंने पूरा प्लाजा बनाया हुआ है और आप अभी तक खुद चाय बना रहे हैं, इतने वर्कर होने के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद बनाता, 3 भाई हम वर्कर से नहीं बनवाते। अच्छा माशाल्लाह, हमने अपना मेयार अपने हाथ में। इतना रश है आपके पास, तकरीबन कितना दूध निकल जाता है आपके? हमारा 35-40 मन से ज्यादा होता है। 35-40 मन से ज्यादा ही हो। क्या बात है जी, क्या बात है। तो और क्या जरूरत है, चाय बेचते हैं हम लोग भी, चाय बेचते हैं जाके यार।
चायों के बिजनेस में बड़ा पैसा है इसका मतलब। अल्लाह का हाथ करा मैं मेरे माँ बाप को ज्यादा बड़ा स्लो बोल रहा था यार, उसकी आवाज जो है ना निकल नहीं रही। आज उन्होंने पीछे थोड़ी सारी यहाँ उंगल करानी है ना, वो गुस्सा कर रहे हो कराची से हम भाई, भाई कराची से हाँ भाई कराची से बात कट मामा असली बात करने में तो जड़ा है अभी वो है जो आ गया चार दिन पानी नहीं करता नहीं वैसे उसका चाय बना बना के ना मत बजी हुई है ऐसे बात होती बात नहीं निकलती बिना लिया अभी तो बेचारा सही था नहीं हरी देर भाजन कितना टाइम हो गया पलवान जी थानू तकरीबन को जाता को घंटा हो गया हमें आया। अच्छा हम दस्के से आए हैं, दस्के से चाय पीने आए हो आप? हाँ जी बड़ी अच्छी चाय लगती है, बेहतरीन चाय लगती है। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं जब सियाकोट आते हैं चाय पी के जाते हैं। क्या इनकी चाय में आपको अच्छा लगता है? ऐसा अच्छा इनकी चाय में जरा पानी नहीं होता, खालस दूध की होती है। हमारी चाय आ गई है भाई। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि रस कितना होता है ये चाय पी दो तान अच्छे तरीके ना यार प्याली में। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया होना, बहुत अच्छा जी। कैसी है? हां हां मैं ना चाहता ये जी मैं तो बड़ा मजा आता। अच्छा तू तो पीती भी नहीं है भाई, कैसी बनी है चाय? मैं कहना जी पुत्र स्वाद आ गया, ओए ओए जिंदाबाद हो गया। नेशनल टी जिंदाबाद पाइंदाबाद दुर्पटमोद। नहीं नहीं कराची की चाय का मुकाबला है भाई, ऐसी ऐसी पूरा मुकाबला कर रही है। वो जो है ना होती है फार्मी होती है देसी है खालिस। ये उसने मलाई मार के दिया, मलाई खालिस दूध वाली चाय है। क्या हुआ यार मैं पैसे दे रही, उन्हें पैसे नहीं लिए मेरे को चाय, पैसे नहीं ले रहे मेरी तरफ में चाय। और नहीं यार पैसे तो अच्छी बात नहीं है यार, क्यों नहीं ले रहे यार आप पैसे तो लो यार। और नहीं यार कोई बात नहीं यार है। देखो जी भजन इतना ख्याल करते हैं सियालकोट वाले, और आप कराची से आए हैं आपसे चाय के पैसे नहीं ले रहे यार। ले लो यार चले भाई, यकीन करे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी चाय थी यार। ठीक है थैंक यू। उसने पैसे नहीं लिए, चंगा कीता मेहरबानी होती यार उन्होंने पैसे नहीं लिए। उसने ख्याल किया है कि भाई कराची से आया, कराची से आया बंदा, बोला आप हमारे मेहमान है। ओनु है पता ही कि सिर्फ कराची आया, ओनु है नहीं पता भी तू ही आया है। कौन आदी चाय का तू ही लाला है। ओ जाना अनु कलो पैसे देने वास्ते चाय तोड़े पैसे दे दे। जाओ शाजी जाओ। चले जी बहुत मजा आया आप लोगों यहाँ चाय पीने का। अगले ब्लॉग तो मिलने आप लोग भी यहाँ पे लाजमी आइएगा, नेशनल टी स्टॉल आके ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी चाय है, बहुत मजेदार चाय। नेशनल टी स्टॉल मुफ्त चाय, देखो मुफ्त चाय पीने बाद जिन्हें मर्जी लो मुफ्त चाय लाके।